कि आप बताओ कि प्रिपेयर करते करते मेरी अपनी ही ऐसी ऐसी लिखाई सामने आती है, मुझे खुद ही नहीं पता होता इसका। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। केन स्टडी मैन रट्टा लेजेंड, तू बस हेडिंग बता दे, बाकी मैं खुद लिख लूँगा। दुनिया के तमाम झूठ एक तरफ और हमारे स्कूल वाले मजमून में लिखे जाने वाला झूठ एक तरफ, किसी को याद है? टीचर लेट क्यों आए? बच्चा रास्ते में बोर्ड लगा था, आस्था चले आगे स्कूल है। जब भी पढ़ने का सोचती हूँ मेरी सहेली नींद भी आ जाती है। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था, फिर मुझे याद आया मैं तो लड़की हूँ। टीचर मैथ के लेक्चर के दौरान यहाँ एक्स की वैल्यू बताओ, स्टूडेंट जान थी वो मेरी। मैंने इतना पढ़ा जितना पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी पेपर से 2 घंटे पहले कितना पढ़ सकता था। जो छित्तर खा के स्कूल जाया करते थे वो भी अब स्टेटस लगा रहे होते हैं, आई मिस माई स्कूल डेज। आजकल 5th क्लास के बच्चे के पास ही फ़ोन है, जब हम 5th में थे तो इस बात से खुश होते थे 6th में जाते ही पेन से लिखने को मिलेगा। ऐसा सिस्टम रखना ही नहीं जिसमें बच्चे फेल हो जाएं। बच्चों का प्यारा वज़ीर आज़म शफकत महमूद। टीचर कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी, स्टूडेंट ठीक है टीचर, नान और कोक की बोतल मैं ले आऊँगा, दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। बर्थडे पर कोई विश नहीं करता, लेकिन रिजल्ट पर दादा की खाला की बेटी की नंद के भाई का भी फ़ोन आ जाता है। बड़ा मुश्किल है स्कूल की मिस से प्यार करना, लव लेटर भेजा था, दस्तक करके 3 गलतियां निकाल कर वापस कर दिया। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता कैसे हाथ में मोबाइल आ जाता है। टीचर ये टॉपिक आप लोग अगले साल पढ़ोगे, अगले साल टीचर ये टॉपिक आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, ले हम बेचारे। जब रियाजी के टीचर कहते थे फ़र्ज करो, तब मैं समझ जाता था कि सवाल औकात से बाहर है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने तो वैसे ही पास हो रहे हैं। मैं इम्तिहान में 10 नंबर यहाँ से, 15 नंबर यहाँ से, 20 नंबर यहाँ से और बस मैं फिर पास। आजकल के बच्चे स्कूल से निकलते ही हैंड फ्री लगा लेते हैं। एक हम थे पत्थर को पाँव मारते मारते घर तक ले आते थे। चैटिंग और कॉलिंग तो सब लोग ही करते हैं, पर कभी क्लास के बेंच में बच्ची के साथ नोटबुक पर बात की है? मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ बीच में कोई सवाल आ जाता है जो सर्च करना पड़ता है, फिर गूगल से होते हुए व्हाट्सएप और यूट्यूब का चक्कर लगाकर इंस्टाग्राम पर आ जाती हूँ। स्कूल की यादें अच्छा ले लो, लेकिन मुंह लगाकर नहीं पीना। पढ़ते जाओ भूलते जाओ। समझ नहीं आ रहा प्यार करें या पढ़ाई। किताबें खुलेंगी, हॉल सजेगा, नींदें उड़ेंगी, अब पेपर जमेगा। एक लड़के को इम्तहान में कुछ नहीं आता था, इसने ऐसी लाइनें लगा दी और कहा बड़ा मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। पाकिस्तान का पानी ख़त्म करने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बड़ा हाथ है। हर 2 मिनट बाद उस्ताद जी पानी पी आऊँ, ये मैं हूँ, ये मेरी बुक्स हैं और मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा कोई कमाल हो जाए कि पढ़ाई का इंतकाल हो जाए, आमीन। वो स्टूडेंट भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होते जो क्लास में टीचर को याद करवाते हैं, सर आज आपने टेस्ट कब बोला था। इल्म एक रोशनी है और मुझे अंधेरा पसंद है, बस बात ख़त्म। बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, जो च्वाइस पे छोड़ो एग्जाम में वही सवाल आए। मेरा मोबाइल मुझसे पढ़ ले यार, वरना तुम्हारी माँ ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना है। टीचर आपका पेपर खाली क्यों है? मैं खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूट जाते हैं। पूरी किताब याद कर ली, बस 2 लाइंस छोड़ दो, अगले दिन पेपर में वही 2 लाइंस कह रही होती हैं, बहन पहचाना मुझे? आया था इम्तहान में मजमून बेवफा, वजाहत जो तेरी की तो हम टॉप कर गए। किताबें पास रख के ही सो जाते हैं, स्टूडेंट कभी नींद की गोलियां खाया नहीं करते। मौत आ जाए गालिब, मगर कभी इम्तहान में फ्रंट सीट ना आए। मेरी रूह का परिंदा पढ़ ना पाए, मेरा फ़ोन में मुझे रोज़ जलील करवाए, मैं की करा। आप किस से सबसे ज़्यादा तंग हो, किस्मत से, पढ़ाई से, रिश्तेदारों से या प्यार से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्कूल क्यों नहीं आए, बहाना बनाओ, देखते हैं किसका बहाना सबसे फ़नी होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ।